नमस्कार, मैं विलास उरकड़े फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। दोस्तों, हम आपके लिए नित्य प्रतिदिन ऐसी ही न्यूज प्रकाशित करते रहे, इसके लिए आप हमारे न्यूज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर वीडियो जब देखते हैं तो कमेंट कर हमें अपने सुझाव और अपने विचार जरूर साझा करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुप्रीम पावर की ताजा तरीन खबर की। खबर बालाघाट जिले के लामता से। शासकीय महाविद्यालय लामता में मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार दिनांक 17/9/2024 से 2/10/2024 तक स्वच्छता की सेवा है पखवाड़ा का शुभारंभ। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा आज 21/9/2024 को ग्राम पंचायत लामता में ग्रामीण लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया और सार्वजनिक स्थल, बस स्टैंड, बाजार चौक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लामता, रेलवे स्टेशन लामता में साफ सफाई की गई, जिसके अंतर्गत लगभग 20 से 25 किलो प्लास्टिक कचरा एकत्रित करते हुए ग्राम पंचायत लामता के सचिव महोदय को सौंपा गया। इस स्वच्छता अभियान में राष्ट्रीय सेवा योजना के 43वें कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर डुलेश्वरी टेम्बरे के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान में सहभागिता के साथ ही शासकीय महाविद्यालय लामता के शिक्षकों में डॉक्टर ढाल सिंह गौतम, श्री कृष्णा सिंह, श्री प्रवेश यादव, श्री यशवंत बिसेन, ग्राम पंचायत सचिव महोदय, सरपंच महोदय, ग्राम पंचायत के कर्मचारी उपस्थित रहे। लामता से शत्रुघ्न ठाकरे की रिपोर्ट। डॉक्टर डुलेश्वरी टेम्बरे, कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान, शासकीय महाविद्यालय लामता। आज स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कहां-कहां पे आप स्वच्छ किए? आज स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय लामता से रैली निकालते हुए ग्राम पंचायत, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, जो जो सार्वजनिक स्थल है वहाँ की सफाई वॉलंटियर के द्वारा की गई और साथ ही प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के लिए प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया गया। लगभग 20 किलो प्लास्टिक आज स्वयं सेवकों के द्वारा एकत्रित किया गया। अब ये प्लास्टिक कचरा ग्राम पंचायत को दिया जाएगा। अब ग्राम पंचायत इसको इसका डिस्पोज करेगी। ऐसे कितने आप मेरा नाम डॉक्टर ढाल सिंह गौतम, हिंदी विभाग, शासकीय महाविद्यालय लामता, जिला बालाघाट। आज स्वच्छता अभियान के तहत आपने क्या क्या स्वच्छता की मिसाल दी है? हमारे महाविद्यालय के बच्चों के साथ लामता में पंचायत से लेकर के सार्वजनिक क्षेत्र जितने भी हैं, जिसमें सब्जी मंडी है, अस्पताल है, प्लेटफार्म है, सभी की साफ सफाई की गई और लामता में जितने सभी नागरिकों को संदेश दिया गया। चेतन ठाकरे। कौन से सेमेस्टर है? यस सर। कौन सी कक्षा के विद्यार्थी हैं? मैं BA सेकंड ईयर का विद्यार्थी हूँ और राष्ट्रीय सेवा योजना का स्वयं सेवक। अच्छा, आज आप साफ सफाई के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए? हम लोग ने सर्वप्रथम ग्राम पंचायत लामता में आए, उसके बाद हमने वहाँ की साफ सफाई करते हुए लामता के बस स्टैंड की साफ सफाई की और लोगों को जागरूक किया। तत्पश्चात हम लामता के रेलवे स्टेशन में पहुँचे साफ सफाई करने। अच्छा, क्या क्या साफ सफाई की आपने? हम लोगों ने प्लास्टिक उठाया पन्नी। श्रीचंद पंचेश्वर, सचिव ग्राम पंचायत लामता। आज जो महाविद्यालय छात्र छात्राओं द्वारा साफ सफाई अंतर्गत जो कचरे इकट्ठा किया, वो कचरे का आप क्या करेंगे? कचरे का निपटान करना पड़ेगा। कहाँ? एकांत में। आपके पास सूखा कचरा, पीला कचरा का वो बना हुआ है सेट? हाँ, सेग्रीगेशन सेट है। उसका उपयोग नहीं किया जाता? किया जाता है। तो ये कचरा को आप वहाँ उपयोग करेंगे? हाँ। तो ऐसे कितने विद्यार्थी आपके पंचायत में साफ सफाई किए? 50 से 60 बच्चे हैं। अच्छा, इससे क्या आपको मिलता है? स्वच्छता के प्रति ग्रामीण जन को जागरूक करना एवं साफ सफाई बनाए रखना और स्वच्छता की ओर विशेष।